हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। कोविड 19 और ओमाइक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि नागपुर जिला एवं मनपा प्रशासन को चिंतित कर रही है। राज्य की उपराजधानी में पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले दर्ज किए हैं। नागपुर शहर में 20 नए मामले दर्ज किए, हालांकि जिले में किसी की मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों में 3 व्यक्ति कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं। कुल मामलों में से 7 मामले नागपुर जिले के ग्रामीण अंचल से सामने आए हैं, जबकि जिले के बाहर से कोई मरीज की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल सकारात्मक मरीजों की संख्या 5,78,000 तक पहुंच गई है। इनमें से कुल 5,67,000 लोग कोरोना वायरस महामारी से सफलतापूर्वक उबर चुके हैं। नागपुर जिले में रिकवरी रेट 98.21% हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने सोमवार को 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में गांधीबाग जोन के उपद्रव खोजी दल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की गई। गांधीबाग जोन के अंतर्गत मारवाड़ी चौक गांधीबाग में बबलू प्लास्टिक और गोलीबार चौक इतवारी में दीपक किराना स्टोर दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसी तरह धंतोली जोन के अंतर्गत मनीष नगर में आशा डेवलपर्स के खिलाफ सड़क के किनारे निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाला मलबा डालने पर कार्रवाई की गई और 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई NDS प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और बेटी के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की। पूर्व पार्षद संजय कुमार बालपांडे के नेतृत्व में रशीद शेख, सुधीर महाकालकर, जावेद काजी, आकाश राठौड़, मुनीर शेख सहित कार्यकर्ता सोमवार की शाम कोतवाली थाने पहुंचे और हैदराबाद निवासी संजय राजेश रंगारे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बालपांडे ने अपनी शिकायत में बताया कि संजय लगातार अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए दो समाजों में तनाव पैदा करने वाली पोस्ट कर रहा है। कुछ दिन पहले उसने राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और बेटी के बारे में अपशब्द लिखकर पोस्ट की। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुका है। उसने ब्राह्मण परिवार की महिलाओं के खिलाफ भी अपशब्द कहे हैं। उसकी सारी पोस्ट दो समाजों में विवाद पैदा करने वाली है, इससे कभी कोई बड़ी घटना हो सकती है। उसकी पोस्ट से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। समाज के प्रति अपशब्द लिखने से लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है, इसलिए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग भाजपा कार्यकर्ताओं ने की है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी को ईडी द्वारा नोटिस भेजे जाने पर शहर के तमाम कांग्रेस नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण भड़क गए। नागपुर में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत के नेतृत्व में ईडी कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। हालात ऐसे बन गए थे कि पुलिस को पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, मंत्री विजय वडेट्टीवार, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, जिलाध्यक्ष राजेंद्र मुलक, विशाल मुत्तेम्बार, उमाकांत अग्निहोत्री सहित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर परिसर से हटाना पड़ा। करीब पौन घंटे तक ईडी कार्यालय के सामने मोदी सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ नारे लगे। इस दौरान विधायक विकास ठाकरे कार्यालय के मेन गेट पर चढ़ गए। उनके पीछे फिर पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत सहित सारे कार्यकर्ता भी गेट को खुलवाने के लिए उस पर चढ़ गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ CRPF भी तैनात की गई। पुलिस ने फिर सभी को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरगे, सुनील देशमुख, एडवोकेट अभिजीत वंजारी, राजू पारवे, विधायक प्रतिभा धानोरकर, कुणाल राउत, गिरीश पांडव, किशोर गजबीय, प्रमोद ठाकुर, राजू बर्वे, रश्मि बर्वे सहित महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुए। राज्य मंत्री विजय वडेट्टीवार ने OBC समाज का एम्पिरिकल डाटा जमा करने की पद्धति को ही गलत बताते हुए बांठिया आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बांठिया आयोग के माध्यम से सरनेम के आधार पर OBC समाज का एम्पिरिकल डाटा जमा कराने की पद्धति गलत है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के तौर पर शिंदे सरनेम सभी समाज में है, जिसमें कौन सा शिंदे OBC और कौन मराठा है, यह कैसे निश्चित किया जाएगा। उन्होंने इसमें सुधार करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि OBC समाज का नुकसान हुआ तो वह सहन नहीं किया जाएगा। वे शहर में पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। वडेट्टीवार की इस जानकारी से नया विवाद खड़ा हो सकता है। न्यायालय में OBC का एम्पिरिकल डाटा सादर करने के लिए उनके निर्देश पर राज्य सरकार ने बांठिया आयोग गठित किया है। स्थानीय निकाय चुनाव के पहले OBC को आरक्षण दिलाने के लिए आयोग तेजी से अपना काम कर रहा है। ऐसे में वडेट्टीवार द्वारा ही आयोग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाया गया है।
पूर्व सीएम एवं विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले इस ओर ध्यान आकर्षित किया था, जिसे वडेट्टीवार ने भी सही बताया। मनपा में होने जा रहे आम चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार 31 मई को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सर्वसाधारण प्रवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण ड्रॉ निकाला गया। आरक्षण के ड्रॉ पर आपत्ति और सुझाव मंगाए गए थे। इन आपत्तियों और सुझावों पर अब फैसला होने के बाद आयोग के निर्देशों के अनुसार मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। उल्लेखनीय है कि 12 मई को प्रभाग रचना का अंतिम प्रारूप मंजूर किया गया था, जिसके बाद 31 मई को आरक्षण ड्रॉ निकाला गया। ड्रॉ को लेकर 6 जून तक आपत्तियां मंगाई गई थी। उल्लेखनीय है कि मनपा के चुनाव के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार सिटी की जनसंख्या का आधार लिया गया है। 24,48,000 जनसंख्या के इस शहर में 4,81,000 अनुसूचित जाति और 1,89,000 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। इसके पूर्व मनपा में 4 सदस्यीय प्रभाग रचना थी, जबकि वर्तमान में 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव कराया जाना है। इसके लिए सिटी को 52 प्रभागों में बांटा गया है। मनपा में अब 156 सदस्य संख्या होगी, जिनमें से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हाल ही में विधायक कृष्णा खोपड़े मुंबई के होटल प्रेसिडेंट में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले। नागपुर को रेल जोन बनाने से लेकर अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। विस्तृत चर्चा में उन्होंने बताया कि नागपुर को रेलवे जोन बनाने में कुछ तकनीकी दावपेच है, जिसे दूर करने का निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा, किंतु फिलहाल नागपुर स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक को 100 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों की मंजूरी के अधिकार देने की बात उन्होंने की। विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि नागपुर को रेलवे जोन बनाने से लेकर अनेक विषयों पर मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे को अनेक बार पत्र दिया। गडकरी ने खुद इन विषयों में रुचि लेकर रेलवे मंत्री को पत्र लिखे तथा उचित निर्देश जारी करने की बात कही। मुझे जब पता चला कि मंत्री महोदय मुंबई के दौरे पर है, मैंने पत्रों की प्रतियों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अब छोटे छोटे विषयों के लिए नागरिकों और अधिकारियों को बिलासपुर तथा मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब 100 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यों की मंजूरी के मंडल रेल प्रबंधक के स्तर पर अनुमति देने का आदेश जल्द जारी किया जाएगा। नागपुर जिले की पारशिवनी तहसील में कनान थाना अंतर्गत कोयला चोरी सहित बढ़ रही रेती चोरी एवं अन्य प्रकार के अवैध धंधे को रोकने के लिए टेकाड़ी कोयला खदान ग्राम पंचायत सदस्य शाकिर सिद्दीकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कनान के थानेदार विलास काड़े एवं कोयला श्रमिक सभा वेकोली अध्यक्ष शिव कुमार यादव से मिले तथा क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधे को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की। हाल ही में कनान थाना अंतर्गत कोयला चोरी को लेकर पिछले 23 दिनों में 124 टन कोयला जब्त किया गया है, जिसमें कई कोयला चोरों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कनान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं तथा खनन पुलिस उनको पकड़ने में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही है, यह गंभीरता से सोचने का विषय है। कोयला चोरी को लेकर वेकोली सुरक्षा कर्मियों पर तलवार से हमला करने का प्रयास भी किया गया है, फिर भी वेकोली प्रबंधन एवं कनान पुलिस शांत क्यों बैठी है, यह समझ के परे है। कोयला खदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1 से रेती चोरी के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाल ही में मां गंगा अवतरण दिवस पर रामटेक स्थित तीर्थक्षेत्र अंबाला तालाब के घाट पर गंगा दशहरा दीप महोत्सव का आयोजन किया गया। उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा महापूजा एवं महाआरती के पश्चात प्रज्वलित किए हुए हजारों दिए पानी में प्रवाहित किए गए। जलते हुए दीपकों से अंबाला तीर्थक्षेत्र मानो जगमगा उठा। अंबाला तालाब के पश्चिमी उत्तरी घाट पर भारतीय जनसेवा मंडल गंगा दशहरा आयोजन समिति रामटेक द्वारा यह विशेष आयोजन किया गया था। गंगा दशहरा कार्यक्रम की शुरुआत अगस्ती मुनि आश्रम गढ़ मंदिर रामटेक के संत स्वर्गीय गोपाल बाबा ने 16 वर्ष पहले की थी। शाम 5 बजे गढ़ मंदिर स्थित अगस्ती मुनि आश्रम की अखंड ज्योति से ज्योति प्रज्वलित कर खुली जीप में ज्योति यात्रा निकाली गई। इस शुभ अवसर पर बाबा तुकाराम, राहुल कोठेकर, अजय मेहरकुले, बालचंद खुड़े आदि भक्तों के साथ भारी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। ज्योति यात्रा रामटेक नगर भ्रमण करते हुए तीर्थक्षेत्र अंबाला पहुंची। यहां पर पूजा अर्चना, होम हवन एवं महापूजा संपन्न हुई। तत्पश्चात जलते हुए दीप एक एक कर श्रद्धालुओं द्वारा तालाब में प्रवाहित किए गए। इस मौके पर भारतीय जनसेवा मंडल अध्यक्ष रामधाम तीर्थ के संस्थापक चंद्रपाल चौकसे, पूर्व विधायक डी मल्लिकार्जुन रेड्डी, पूर्व नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे।
नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। जिले के सभी पुलिस थानों के विद्युतीकरण सहित डिजिटलाइजेशन कर स्मार्ट पुलिस थानों का निर्माण किया जाएगा। यह प्रतिपादन पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने जिला नियोजन कार्यकारी समिति की समीक्षा बैठक में किया। साथ ही उन्होंने सभी शालाओं में सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के निर्देश संबंधितों को दिए। जिला नियोजन कार्यकारी समिति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कार्यालय के बचत भवन में हुई, जिसमें सांसद कृपाल तुमा ने, विधायक एडवोकेट अभिजीत वंजारी, राजू पारवे, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, जिलाधिकारी आर विमला, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, कार्यकारी समिति के सदस्य जिला नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड़ आदि उपस्थित थे। पालक मंत्री डॉक्टर राउत ने कहा कि डिजिटलाइजेशन से थाने में हर जगह वाईफाई की सुविधा होगी। पुलिस विभाग द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण लगवाएं, इससे बिजली की भी बचत होगी। पालक मंत्री ने पुलिस और शिक्षा विभाग को इस तरह का प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक जोर देने के लिए समन्वय से काम करने और उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को रेल भवन नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है। यह नीति बहुत बड़े और अप्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में दक्षता लाएगी। इस कार्यक्रम में रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर लंबे समय से चल रही चर्चा ने आज शुरू की गई इस पहल में ठोस रूप ले लिया है। इस पहल के शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम स्टार्टअप कंपनियों को रेलवे से जुड़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के लिए रेलवे के विभिन्न मंडलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, जोनों से प्राप्त 100 से अधिक समस्या विवरणों में से 11 समस्या विवरण जैसे रेल फ्रैक्चर आदि को लिया गया है। इन्हें नवीन समाधान खोजने के लिए स्टार्टअप कंपनियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। भारत के प्रमुख पारिवारिक फैशन ब्रांड मैक्स फैशन ने रविवार 12 जून को मेडिकल चौक के वीआर नागपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले का एक अद्भुत शो के साथ अपने मैक्स लिटिल आइकन 2022 का समापन किया। पूरे कार्यक्रम ने राज्य भर के परिवारों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें उत्साहित किया। मैक्स लिटिल आइकन ने गायन, नृत्य, ड्राइंग प्रतियोगिता में भाग लेने और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए नन्हे चैंप्स को प्रोत्साहित किया। 10,000 से अधिक प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता के लिए साइन अप किया और मई के दौरान वॉक इन स्टोर के ऑडिशन नागपुर और अमरावती में हुए, जहां बच्चों के समूह ने हमारे जजों का दिल जीतने वाला एक अद्भुत शो पेश किया। चयनित किए गए उम्मीदवारों को 12 जून 2022 को मैक्स लिटिल आइकन ग्रैंड फिनाले के 10वें संस्करण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। गायन प्रतियोगिता में जज की भूमिका अनिल साहने ने निभाई, जबकि नृत्य स्पर्धा में प्रसिद्ध नर्तक चेतन देशमुख जज थे। कला प्रतियोगिता का निर्णय सुश्री बबीता ने दिया। फैशन शो के कॉस्ट्यूम जज अनिल साहने एवं मिताली अंबेकर थे। देवेश कुमार, क्षेत्रीय व्यापार प्रमुख मैक्स फैशन ने कहा कि भारत में मैक्स के देश भर में 400 से अधिक स्टोर है। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत नॉन फेयर रेवेन्यू बॉक्स की अनोखी संकल्पना के माध्यम से महामेट्रो ने आर्थिक स्रोत प्राप्त करना निर्धारित किया है। इसमें प्रमुख रूप से ट्रेन रैपिंग, स्टेशन सेमी नेमिंग, स्टेशन पर व्यावसायिक कार्यों के लिए जगह उपलब्ध करा देना, मेट्रो परिसर की स्क्रीन पर विज्ञापन देने का समावेश है और ऐसे प्रभावशाली माध्यमों से महामेट्रो के पास रेवेन्यू प्राप्त करने का बेहतरीन अवसर है। इन विभिन्न योजनाओं को व्यापारी वर्ग अनुकूल प्रतिसाद दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में महामेट्रो ने मीडियन मेंटेनेंस निविदा प्रसिद्ध की है, जिनमें महामेट्रो के रीच 2 और रीच 4 के बीच के हिस्से के रखरखाव के संबंध में यह निविदा जारी की गई है। इसके लिए विज्ञापन क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था इस प्रक्रिया में निविदा भरकर शामिल हो सकते हैं। महामेट्रो द्वारा जारी निविदा के अनुसार 2 पिलर के बीच की जगह पर संबंधित संस्था एवं कंपनी विज्ञापन बोर्ड लगा सकती है। टेंडर मिलने वाली कंपनी 84 वर्ग फुट क्षेत्रफल जगह में विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए पात्र होगी। 2 पिलर के बीच की जगह पर यह बोर्ड लगाए जा सकते हैं। यह जानकारी महामेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है।
सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा पूर्व नागपुर के प्रसिद्धि प्रमुख मनोज अग्रवाल ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपोलो क्लिनिक नागपुर में कोविशील्ड वैक्सीन का तीसरा डोज लिया। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस टीकाकरण अभियान में सभी से सरकारी नियमानुसार टीका लगवाने की अपील की है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र बंग के जन्मदिन के मौके पर राकापा कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल बांटे। हिंगना स्थित ग्रामीण अस्पताल में हिंगना शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से फल वितरित किए गए। इस अवसर पर हिंगना नगर पंचायत के गट नेता गुणवंता चामाटे, नगर सेवक दादाराव विटनकर, प्रवीण घोड़े, मेघा भगत, विशाखा लोनारे, पूर्व नगराध्यक्षा मीनाक्षी ढुले, बेबी चव्हाणे, नंदू झाडे, बापूराव कौरती, गुरुदास चव्हाणे, नारायण ढवले, मंगेश झीले, योगेश झीले, सुधाकर झीले, नाना झीले, दिवाकर शेलके, राजू लोनारे, सूरज यादव, धर्मेंद्र काले, गीता ढवले, शुभांगी लोनारे, सुजातार शेटे, वनिता चव्हाणे, माधुरी शेटे आदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिंगना शहर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। डिगडो और ईसासानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से लता मंगेशकर अस्पताल डिगडो में सैकड़ों मरीजों में फल वितरण किया गया। इस समय जिला परिषद सदस्य रश्मि कोटगुले, पंचायत समिति सदस्य उमेश राजपूत, आकाश रंगारी, पूर्व सभापति रेखा कलस्कर, सरपंच नीलेश उइके, उपसरपंच मीना मेश्राम, गीता हरिनखेड़े, प्रदीप कोटगुले, पूर्व सरपंच विजय मेश्राम, पूर्व उपसरपंच रमेश सिंह ठाकुर, लीलाधर दाभे, अश्विनी रड़के, भरती भोयर, शालिनी चौधरी, अरुण विदाते आदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। श्री राधाकृष्ण भक्त परिवार की ओर से प्रतिमाह जरूरतमंद लोगों में अन्न, वस्त्र एवं खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जाता है। इस बार जून महीने में संस्था की ओर से अनाज की 75 किट गरीबों में एवं जरूरतमंद लोगों में वितरित की गई। संस्था की ओर से संत मधुसूदन बापू की प्रेरणा से दामोदर दास के मार्गदर्शन में जनोपयोगी उपक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा राशन वितरण, वस्त्र वितरण एवं स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाती है। खाद्य सामग्री वितरित कर श्रद्धालुओं एवं स्वयंसेवकों द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जाप किया गया। राजस्थानी ब्राह्मणों की राष्ट्रीय सामाजिक संस्था विप्र फाउंडेशन की नागपुर इकाई की कार्यकारिणी 2022-23 की घोषणा नए रूप में माझी मेट्रो द्वारा संचालित सेलिब्रेशन ऑन व्हील में रोमांचक सफर के साथ की गई, जिसमें विफा विदर्भ जोन 9 के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार शर्मा और सचिव संजय पालीवाल की उपस्थिति में विप्र फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में गिरीश पुरोहित, उपाध्यक्ष के रूप में ऋतु आनंद शर्मा, विक्रम शर्मा और किशोर पालीवाल मनोनीत किए गए। शहर महामंत्री के रूप में हेमंत शर्मा और कोषाध्यक्ष के रूप में अनिल शर्मा की नियुक्ति की गई। इसी तरह विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ में ज्योति पालीवाल, मधु शर्मा, कल्पना शर्मा और डॉक्टर गायत्री व्यास उपाध्यक्ष, रजनी शर्मा और पूनम व्यास महासचिव के रूप में मनोनीत किए गए। राजश्री पुरोहित, सीए प्रियंका शर्मा एवं डॉक्टर नीता शर्मा सचिव बनाए गए और सहसचिव के पद की जिम्मेदारी वर्षा शर्मा, अंजू मिश्रा, प्रतिमा व्यास और संगीता तिवारी को दी गई। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी वीना शर्मा और प्रियंका तिवारी को दी गई। अन्य सदस्यों में रेणु शर्मा, संजना शर्मा, मीना शर्मा का समावेश था। लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल द्वारा आयोजित मालगीनगर स्थित शिवाजी पार्क के सामने हनुमान मंदिर प्रांगण में वरिष्ठ नागरिकों के सत्कार समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रोफेसर सुधीर बोधनकर ने की। मुख्य अतिथि के रूप में फेसकॉम पूर्व विदर्भ विभागीय सचिव वसंतराव कलंबे उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत भास्कर गावंडे, अरुण वानखड़े, प्रहलाद शिंदे, विनोद चुरड ने किया। अतिथियों का परिचय डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर पाध्य ने दिया। कार्यक्रम के शुरुआत में प्रभाकर पांडे, प्रभाकर सव्वालाखे, मेघा देशमुख एवं सुरेश दापुरकर ने अपनी सुरीली आवाज में सुमधुर गीत गाकर नजराना पेशकर श्रोता वर्ग को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम में प्रमोद अंजनकर, अरुण अतकर, सुमन टेम्बरे, विद्या सवालाखे, अलका चुरड, भरत पटले, गोविंद डाबरे, छाया वानखड़े, कल्पना घटाटे आदि 35 वरिष्ठ नागरिकों का अतिथियों के हाथों शॉल, श्रीफल एवं पुष्प देकर सत्कार किया गया। साथ में खासदार क्रीडा महोत्सव में वॉकथॉन स्पर्धा में मेडल प्राप्त विजय भगत, मधुकर भोयर एवं इंदुमती खोबरागड़े को तथा स्पर्धा में सम्मिलित हुए सभी सदस्यों को सम्मानित किया गया। मंडल के दिवंगत सदस्य रामराव भोयर की पत्नी सुशीला भोयर को साड़ी देकर दुख व्यक्त किया गया। लोकमंच ज्येष्ठ नागरिक मंडल के अध्यक्ष रमेश जांगड़े ने प्रास्ताविक भाषण दिया।
यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2410 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,09,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 5,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 40,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।